लॉकडाउन के नाते पूरे उत्तर प्रदेश के जितने अधिकारी चौधरी किस पद पर कार्यरत हैं? SSO हैं और इस समय संगठन आज का जो आपका ये धरना प्रदर्शन चल रहा है आप लोगों का मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का पूर्वांचल उपाध्यक्ष हूँ और हमारे संगठन की जो मांग है सबसे प्रथम मांग हमारी है कि हमारे बीच से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करते हुए हम लोगों के मस्टर रोल व्यवस्था के तहत नियमित किया जाए जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण सही से हो सके। हमारी दूसरी मांग है यदि ये हमारी ठेकेदारी प्रथा समाप्त नहीं कर पाते तो हमारे भाइयों का अनुबंध हमारे संविदा कर्मचारियों का अनुबंध जिस तरीके से हमारा कार्य घातक प्रकार का है और हमारा अनुबंध एक भवन निर्माण के लेबर का जो किया गया है उस अनुबंध को हमारे पावर कॉर्पोरेशन के अधीनस्थ करते हुए हमारा घातक प्रकार का अनुबंध करते हुए हमारी जो न्यूनतम मजदूरी है 18,000 और 22,000 ये किया जाए। तीसरी बिंदु हमारी है कि हमारे जो पूर्व में हम लोग जो काम किए हैं जिसमें EPF ESI का घोटाला हुआ है उस घोटाले की जांच कराते हुए जो भी हमारी धनराशि बनती है वो हमारे संविदा कर्मचारियों के खाते में उस धनराशि का समायोजन किया जाए। चौथी मांग हमारी है कि जो भी साथी हमारे चोटिल हुए हैं जो भी साथी हमारे कार्य करते समय मौत के घाट चले गए हैं जिनको आज तक उनके पारिवारिक इतलाब नहीं दिया गया है उनको पारिवारिक इतलाब दिया जाए और जिनकी चोटें आई हैं उनको इतलाब के तहत ESIC के अंतर्गत जो भी उनका पैसा बनता है उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाए। इस तरीके से हमारी लगभग 7 मांगे हैं जिसमें ये हमारी 4-5 मांगे बहुत प्रमुख हैं जिस पर हमारी सरकार और प्रबंधन से भी कई बार वार्ता हो चुकी। कुल मिला के हमारे प्रदेश के आदरणीय देवेंद्र कुमार पांडे और ऊर्जा मंत्री और प्रबंधन के बीच मिलाकर 7 राउंड की वार्ता हुई और 7 राउंड में प्रबंधन और ऊर्जा मंत्री ये सारे लोग मान रहे हैं कि आपकी जो भी मांगे हैं वो जायज हैं। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि जब हमारी मांगे जायज हैं तो हमारी मांगों को माना क्यों नहीं जा रहा है। मांगे भी जायज हैं और माना भी नहीं जा रहा है। मैं सरकार अभी तो आप प्रश्न करने वाले थे कि अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे। मैं आपको उस बात को कहने के पहले मैं आपको उस बात को बताना चाहता हूं कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो जिस तरीके से हम लोगों ने सरकार बनाया था उसी तरीके से 2022 के चुनाव में वोट की चोट से सरकार गिराने का। एक मिनट। और हमारे जिले में क्वेस क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम की कंपनी हमारे मीटर रीडर कंपनी आई है जो हमारे मीटर रीडर भाइयों का बहुत उच्च स्तरीय शोषण कर रही है जिसमें हम आपको बता देना चाहते हैं जो हमारे पास लिखित पत्र भी हमारे मीटर रीडर भाइयों ने दिया भी है कि इनसे 10,000 की DD के लिए उपकरण में आपको बता दें क्या क्या है। इनका प्रिंटर, इनका प्रोब, इनका मोबाइल 5,000 रुपया उसके लिए मांगा जा रहा है जो निहायत निंदनीय कार्य है। तीसरी चीज इनका जो बिलिंग टारगेट दिया गया है मैं आपको बता देना चाहता हूँ देहात क्षेत्र में लाइन केवल 18 घंटा रहती है जिसमें अगर ये काम करने जाते हैं इनका समय तो पूरा चला जाता है। ये अगर सुबेरे 7 बजे निकले और शाम को 7 बजे अपने घर आवे तो इनके 12 घंटे समय में अगर 4 घंटे बिजली नहीं रही 8 घंटे बिजली रही या 6 घंटे बिजली नहीं रही 6 घंटे बिजली रही तो ऐसे स्थिति में इनका जो बिलिंग टारगेट है वो कैसे पूरा होगा। और अगर बिलिंग टारगेट पूरा नहीं होता है तो कंपनी का निर्देश है कि आपके मद से इनको दे रहे 3 रुपया 30 पैसे और इनके 2 रुपया 30 पैसे। सुनिए
2 रुपये 30 पैसे या 3 रुपये 30 पैसे वो बाद में क्लियर हो जाएगा, लेकिन इनके मध्य से 9 रुपये से अधिक का पैसा काटा जाएगा। इस तरीके से कौन सा ऐसा कर्मचारी होगा जो कार्य करना चाहेगा? आप बता दें, आप पत्रकार बंधु से इस बात को मैं इसलिए रख रहा हूँ कि इस बात को आप ऊपर तक पहुँचाने का कार्य करें कि इनका इनके साथ शोषण बंद करें। अगर इनसे 9 रुपया प्रतिबिल के हिसाब से जो टारगेट पूरा नहीं हुआ वो काटा गया तो इनको अपने घर से पैसा देना पड़ेगा। एक उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी इनके साथ और लाद दी गई कि इनसे बिलिंग के साथ साथ इनसे इनके ऊपर राजस्व वसूली डाल दिया गया। अगर ये राजस्व वसूली करते हैं, इनके पास 50,000 रुपया कैश हो जाए और इनको मानकर कोई कैश उठा ले जाए तो वो कैश का पैसा इनका परिवार भरेगा और इनका जान भरा जोखिम है। अगर वो कैश वो राजस्व वसूली कराना चाहते हैं, वसूली कराना चाहते हैं तो सबसे पहले इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए और राजस्व वसूली का अलग से इनको पैसा भुगतान कराया जाए इनके खाते में। दूसरी चीज, न्यूनतम मजदूरी जो है वो इन लोगों को मिलना चाहिए। जिस तरीके से हम लोगों को कम से कम 10,000-11,000 जो मिलता है, इससे कम का वेतन तो इनको कतई नहीं मिलना चाहिए और बिल का टारगेट खत्म होना चाहिए, क्योंकि उसमें समय निर्धारित नहीं है कि ये कितने समय बिजली उपलब्ध रहती है, ये बिल निकाल पाएंगे कि नहीं। दूसरी चीज, अगर ये इनका मोबाइल सिंक नहीं हुआ और इन्होंने बिल निकाल दिया तो वो बिल इनके में काउंट नहीं किया जाएगा। मेहनत तो इन्होंने पूरे दिन किया लेकिन इनकी काउंटिंग 0। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखा जाए कि इनकी बिलिंग टारगेट समाप्त करते हुए इनको दिन के हिसाब से कि आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी है, 8 घंटे में आप जितना बिल बना सकते हैं उतना बिल बनाइए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जिंदाबाद।